Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will study a new chapter of income tax, that is income from other sources. देखिए ये जब मैं चैप्टर पढ़ता हूँ लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स विल से सर ये चैप्टर पढ़ाने की नीड नहीं है बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी चैप्टर. सो हम इसको तो सर अपने आप खुद ही पढ़ लेंगे. देखिए आप पढ़ोगे नो डाउट आप अच्छे से पढ़ लोगे, बट थिंग इज कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं या कुछ कंसेप्ट होते हैं जिसमें मुझे डीपली टॉपिक्स जो है वो क्लियरली जो है आपको समझाने होते हैं, जिसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वही पॉइंट जो एग्जाम में एग्जामिनर आपको ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन देते हैं जिसमें बच्चे एग्जाम में फंस जाते हैं. सो इट्स बेटर कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से गो थ्रू करें. हाँ इतना मैं श्योर हूँ दैट दिस इज अ वन टाइम चैप्टर, दैट मीन्स यू जस्ट नीड टू गो थ्रू ओनली वंस एट अ टाइम, बट यू जस्ट नीड टू गो थ्रू थोरली. ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए क्या है इस चैप्टर में. चलिए चैप्टर का नाम है देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. देखिए मैंने आपको ये पहले ही पढ़ा था कि देखिए इनकम टैक्स हम कैसे निकालते हैं. पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते हैं, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. देन वी विल डिडक्ट स्पेसिफिक डिडक्शंस. देखिए ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. समटाइम्स क्वेश्चन जो है देखो पूछ लेते हैं डिफरेंस लाइक वट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक डिडक्शंस एंड जनरल डिडक्शंस. जनरल डिडक्शन मीन्स दैट दे आर दोज डिडक्शन दैट द गवर्नमेंट हैव अलाउड टू डिडक्ट फ्रॉम ईच हेड. ठीक है, फ्रॉम ईच हेड. जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल सैलरी, सैलरी में से देखिए एम्प्लॉय को यहाँ पर कौन सी डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. सेम हाउस प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24. सेम बिजनेस प्रोफेशन में, सेम कैपिटल गेन में एंड सेम अदर सोर्सेस में. सो दैट मीन्स दो डिडक्शन विच आर पर्टिकुलरली रिलेट टू द ओनली टू दैट पर्टिकुलर हेड दैट आर कॉल्ड स्पेसिफिक डिडक्शंस. देखिए स्पेसिफिक डिडक्शन का अगर हम एक्चुअल मतलब निकालें तो एक्चुअल मतलब होता क्या है, इसका मतलब है कि आप चाहे किसी भी हेड से कोई भी इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है, उसको कमाने में जो खर्चा हो लगता है ना, तो उसकी गवर्नमेंट आपको स्टेट अवे कुछ एक स्पेसिफिक डिडक्शन देती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डिडक्शंस. ओके, देन वी विल एड ऑल दिस इनकम्स, वी विल कम टू ग्रोस टोटल इनकम. देन लेस जनरल डिडक्शंस. अब जनरल डिडक्शन आपने अच्छे से पढ़ी है, दैट आर कवर्ड अंडर चैप्टर 6A, दैट इज सेक्शन 80C to 80U. ओके, दीज आर कॉल्ड जनरल डिडक्शन. जनरल डिडक्शन इन द सेंस दैट इज गवर्नमेंट आर गिविंग सम एडिशनल डिडक्शंस, दैट मीन्स वट एवर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट और यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन योर फैमिली और इन योर हेल्थ वट एवर, दैट मीन्स ओनली फॉर द प्रमोशन. दैट मीन्स देखिए फॉरन नेशनल को जब ये GDP ग्रोथ निकालते हैं तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है कि आप इसमें यहाँ पर इस सेक्टर में इतना इन्वेस्ट करो या फिर यहाँ पर आप खर्चा करो. ठीक है, तो सर्टेन कुछ डोनेशन भी होती है, तो इसमें आपको एक जनरल डिडक्शन आपको एक एडिशनल बेनिफिट देती है SSC को, दैट आर कॉल्ड जनरल डिडक्शन. एंड इसको जनरल डिडक्शन इस तरह से भी क्या कहते हैं बिकॉज दिस आर बेसिकली एडिशनल बेनिफिट और एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम दी ग्रोस टोटल इनकम. ठीक है, देन एंड लास्ट वी विल गेट टोटल टैक्सेबल इनकम ऑन विच वी कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ इनकम टैक्स. अब एक्चुअल मीनिंग क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब है रिमेनिंग सोर्सेज. दैट मीन्स रिमेनिंग इनकम क्या मतलब हुआ सर, दैट मीन्स जो भी आपने अब तक चैप्टर में पढ़ा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम PGBP, ठीक है, उसको छोड़कर जितने भी इनकम वहाँ पर आपने पढ़ा, बाकी जितने भी इनकम जो रह गई है लेफ्ट आउट रहे, दैट आर कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है, सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इक्विवेलेंट टू रिमेनिंग इनकम और रिमेनिंग सोर्सेज. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दीज थ्री सेक्शन,
सेक्शन 56, सेक्शन 57 एंड सेक्शन 58। सेक्शन 58 क्या होता है? सेक्शन 56 टेल्स विच काइंड ऑफ इनकम आर टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दैट मीन्स अंडर दिस सेक्शन इट इज क्लियरली क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड वॉट आर द इनकम्स दैट आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन सेक्शन 57 क्या बोला हुआ इसमें? विच काइंड ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, जैसे देखिए अभी मैं ऊपर पढ़ा ना डिडक्शन, ये उसी की बात हो रही है। दैट मीन्स देर आर सर्टेन स्पेसिफिक डिडक्शंस दैट आर कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं किसके लिए? एज डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन सेक्शन 58, दैट मीन्स ये आपको किस में हेल्प करता है? ये आपको हेल्प करता है क्लियरिटी के लिए। दैट मीन्स देर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर एक्चुअली नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, और यू कैन से दीज एक्सपेंसेस आर टोटली डिसअलाउड। ठीक है, सो बेसिकली वी जस्ट नीड टू रीड वेरी केयरफुली ओनली दीज थ्री सेक्शन। ठीक है, एंड जैसे ही हम तीन सेक्शन कवर कर लेंगे वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके, सो यही था आपका बेसिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो देखिए आगे अब अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए हमने, अगर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अच्छे से पढ़ना है तो आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा कि हमने अदर्स हेड्स में ऐसी कौन कौन सी इनकम हमने छोड़ दी, या फिर कैसा तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये तो इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही जाके टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी हेड में क्या पढ़ा था हमने? सैलरी टू MLA, MLA में, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे MLA हैं तो उनको जो भी इनकम जो भी सैलरी मिलती है वो कहाँ पर टैक्सेबल होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। देन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वेरी वेल दैट वट एवर द इंटरेस्ट इज अर्निंग बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड दैट आर टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन अगर आपको हो रही है तो मैं आपको इसे बताता हूँ। इट इज क्लियरली रिटन URPF नॉट RPF। समटाइम्स प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, दैट मीन्स कन्फ्यूजन होती है कि इंटरेस्ट तो हमेशा जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होता है। जी नहीं, प्रोविडेंट फंड का जो भी इंटरेस्ट मिलता है, कौन सा प्रोविडेंट फंड है? पर अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, सो एनी इंटरेस्ट अर्न बाय द SSC बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इन अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड दैट आर टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, दैट इज सब लेटिंग ऑफ इनकम, ये हमने पढ़ा था, दैट आर कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन कंपोजिट रेंट, आपको अच्छे से याद होगा मैंने कंपोजिट रेंट का आपको मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, दैट इज रिलेटेड टू PG। मान लीजिए कोई PG है, ठीक है, अब वो PG कौन 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 रन कर रहा है? X। तो यहाँ पर जो है PG का मेन जो रेंट कहाँ से आ रहा है, मेन उसकी सॉरी इनकम जो कहाँ से रेंट से आ रही है, बट PG में और भी टाइप की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है स्टूडेंट को, लाइक सपोज फूड की, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि कोई लाइक फूड के हो गया, ठीक है, या फिर टेलर का हो गया, ठीक है, या फिर क्लोथिंग का हो गया, ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई जो भी इनकम अराइज हो रही है SSC की, जो कि कंपोजिट है, दैट मीन्स दैट दैट इनकम इज नॉट इनसेपरेबल, सेपरेट नहीं कर पा रहे। सेपरेबल है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेपरेबल अगर है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर सेपरेबल नहीं है दैट आर कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेपरेबल है तो फिर कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड कंपोजिट रेंट। देन इनकम फ्रॉम PG भी हमने क्या पढ़ा था? हायर इनकम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास अभी इस टाइम इन्वर्टर है घर में, बट मान लीजिए पहले कभी मेरे पास कभी जनरेटर हुआ करता था, एंड मैं अपने घर में एक्चुअली इतना यूज़ हो कर नहीं पाता, बिकॉज अब लाइट इतनी लाइट की फैसिलिटी अब गवर्नमेंट जो है अच्छी प्रोवाइड कर रही है, सो 24 आवर लाइट
की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। सो अब जनरेटर मेरे लिए इतना यूजफुल नहीं है। सो अब जो लाइक आसपास मान लो कोई भी मेरे आस पड़ोस में कभी शादी हो रही होगी तो मुझसे आके पूछते हैं कि सर आप अपने जनरेटर से एक दिन के लिए हमें रेंट पे दे दीजिए। मैं कहा ठीक है। तो मैंने एक बार किसी को रेंट पे दिया तो ऐसे ये बात फैल गई, वो धीरे धीरे करके पूरे मोहल्ले में फैल गई। अब मोहल्ले वाले में जित कहीं पर भी शादी होती है तो वो मेरा जो है जनरेटर उठा के ले जाते हैं और रेंट दे देते हैं। अब आप सोचिए क्या रेंट जो मशीन का है क्या वो मेरी रेगुलर इनकम है, दैट मीन्स क्या वो मेरा बिजनेस है? जी नहीं। तो ये मेरी इनकम कहाँ पर अराइज होगी? दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, देन कम टू ए कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मैंने अच्छे से पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन। इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन, कंपेंसेशन कौन सा यहाँ पर? कंपेंसेशन कौन सा? एनहांस्ड कंपेंसेशन। हमने पढ़ा था सेक्शन 45(5) में कि जब भी कोई गवर्नमेंट कोई लैंड को एक्वायर कर लेती है, कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, तो उसमें कई बार जो है एसएससी सेटिस्फाई नहीं होता, जो भी उसको कंपनसेशन मिलता है तो वो हाई कोर्ट के पास जाता है या सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करता है। किसके लिए? एनहांस कंपनसेशन के लिए। तो एनहांस कंपनसेशन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो कहाँ पर टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। देन सेम हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था एडवांस मनी फॉरफिटेड। कौन सी एडवांस मनी? जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन दी एसएससी एंड बिटवीन दी फर्स्ट पर्सन एंड दी सेकेंड पर्सन, एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी तरह से ब्रेक हो गया एंड ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्ट जो है फर्स्ट पर्सन ने कुछ एडवांस मनी को जो है फॉरफिट कर लिया, ठीक है, तो वो एडवांस मनी जो है अगर ऑन और आफ्टर 2014 के बाद अगर रिसीव की गई है, दैट होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन विच ईयर इट इज रिसीव्ड। ओके, सो ये मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा रिविजन कराया है कि हमने बाकी अदर सोर्सेज में हमने ऑलरेडी ये इनकम पहले से पढ़ चुके हैं दैट दीज ऑल इनकम आर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 56। सेक्शन 56 दो टाइप के हैं, सेक्शन 56(1) एंड सेक्शन 56(2). सेक्शन 56(1) क्या कहता है? दैट इज जनरल इनकम। एंड 56(2) क्या कहता है? स्पेसिफिक इनकम। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरल इनकम इन द सेंस कि अगर आपको पता लगाना है कि ऐसी कौन सी इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर टैक्सेबल होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है? जो भी आपने प्रीवियस हेड जो आपने पढ़े हैं, दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबी एंड कैपिटल गेन, इन चारों के दरवाजे पे आपको नोक करना पड़ेगा एंड आपको पूछना पड़ेगा कि वेदर दीज इनकम आर टैक्सेबल इन दीज हेड्स और नॉट। सैलरी के बाद पूछना पड़ेगा क्या सैलरी में टैक्सेबल है, हाउस प्रॉपर्टी पूछना पड़ेगा कि क्या वहाँ पर ये इनकम टैक्सेबल है। सेम ऐसे ही आपको चारों हेड में जाकर आपको पूछना पड़ेगा, अगर वो मना कर देते हैं देन ओनली दीज इनकम आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड, दीज आर कॉल्ड जनरल डिडक्शंस, सॉरी जनरल इनकम। दैट मीन्स दोज इनकम्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर प्रीवियस फोर हेड्स दैट आर टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दीज आर कॉल्ड जनरल इनकम। ओके, बट 56(2) क्या कहता है? दीज आर स्पेसिफिक इनकम। दैट मीन्स यहाँ पर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये स्पेसिफिक इनकम है, ये सिर्फ यहीं पर टैक्सेबल होगा और कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और कहीं पर भी आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। दैट ये इनकम आपको जैसे दिखी दैट आर कवर्ड अंडर सेक्शन 56(2), दैट मीन्स दीज आर विल बी ओनली ओनली बी टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 56(1) कि ऐसी कौन सी जनरल इनकम है दैट आर कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। देखिए हमने अच्छे से पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी में कि अगर कोई ओनर है और ओनर ने अपने हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेट आउट पे कर दिया है, तो लेट आउट पे उसको रेंटल इनकम जो भी आ रही है वो कहाँ पर कवर होती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
बट यहाँ पर बात हो रही है इनकम फ्रॉम सब लेटिंग। सर सब लेटिंग मतलब क्या होता है? सब लेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कौन हो, किराएदार हो, ठीक है, आपने एक किराए का मकान देखा, ठीक है, और मकान मालिक से आपने ले लिया। अब आपने क्या करा, आप वहाँ पर खुद नहीं रह रहे, आपने वही सेम अकोमोडेशन आपने किसी और को रेंट पे दे दिया, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बताता हूँ, कौन है, ए बी एंड सी। ए ने बी को रेंट पे अकोमोडेशन दे दी, हाउस प्रॉपर्टी दे दी। बी वहाँ पर खुद नहीं रह रहा, तो बी ने क्या करा, उसी सेम अकोमोडेशन को या उसी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सी को दे दिया, ठीक है। तो मान लीजिए ए जो है बी से 20,000 का रेंट ले रहा है पर मंथ, बट बी सी से 22,000 का रेंट ले रहा है। तो वहाँ पर क्या कर रहा है, ए का और यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ए एंड बी है, ठीक है, तो इससे जो इनकम आ रहा है, जो कि दैट इज 20,000 पर मंथ, दैट आर टैक्सेबल अंडर अंडर हाउस प्रॉपर्टी। बट यहाँ पर जब बी ने जब सी को करा, तो वो कहाँ पर इनकम आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्यों सर, ये भी तो सर रेंटल इनकम है, ये भी तो सर हाउस प्रॉपर्टी आ रही है, ये भी तो सर रेजिडेंशियल हाउस आ रही है। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हाउस प्रॉपर्टी की दो कंडीशन है। फर्स्ट वन इज दैट द इनकम मस्ट बी जनरेटेड फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, सर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकेंड वन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। क्या बी ओनर है? जी नहीं। तो इसकी इनकम जो भी अराइज होगी, दैट इज 22,000 पर मंथ, दैट आर टैक्सेबल अंडर विच हैड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स एंड लोन। दैट मीन्स वट एवर द असेसी गेटिंग और रिसीविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स और लोन, दैट मीन्स उसने लोन दिया किसी को, एंड वट एवर द अमाउंट इज ही द असेसी जनरेटिंग बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, दैट आर टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन डायरेक्टर फीस। देखिए डायरेक्टर फीस होता क्या है बेसिकली, दैट मीन्स ये कौन सा डायरेक्टर की बात करें यहाँ पर, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब आपकी कोई कंपनी है, बाहर से कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया, आपको बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया कि आप अपने टारगेट को इस तरह से अचीव करो, सब कुछ करो, तो डायरेक्टर क्या करते हैं, आपसे क्या कहते हैं, सिटिंग फी लेते हैं, सिटिंग फी, ठीक है। तो वो डायरेक्टर के लिए जो फी आएगी, डायरेक्टर के लिए यहाँ पर एसएससी कौन है, रिसीवर रेसिपिएंट कौन है, यहाँ पर डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर ही एसएससी है। तो डायरेक्टर जो भी इनकम कराएगा यहाँ से, दैट आर टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन फॉरन फॉरन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंडियन नहीं है, फॉरन है। दैट मीन्स कि असेसी अगर ने कोई भी अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रखी हैं, कौन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, जो कि आउटसाइड इंडिया है, उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, दैट आर विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चरल इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। एज यू नो वेरी वेल दैट द इनकम, वट एवर द इनकम अराइज फ्रॉम द एग्रीकल्चर इन इंडिया दैट आर टोटली एग्जेम्प्ट, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई सिटीजन, कोई इंडिविजुअल, कोई HAF, अगर कोई भी किसी की इनकम अगर खेती बाड़ी से जुड़ी, जिसकी ज़मीन कहाँ पर है, इंडिया में है, उससे जुड़ रही जितनी भी इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। बट अगर वही इनकम अगर आउटसाइड इंडिया से है, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया है, तो उससे जो भी इनकम अराइज हो रही है, दैट आर टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर ऑन गिविंग बैंक गारंटी फॉर द कंपनी। क्या मतलब उसका, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, और आप कौन हो, डायरेक्टर हो। कंपनी जो है मान लीजिए किसी बैंक से एक लोन ले रही है, बट वो बैंक बोलता है कि हमें एक जो है आप पे विश्वास नहीं है, तो आप एक गारंटर लेके आओ। तो कंपनी क्या करती है, आपको पकड़ती है, क्यों, आप कौन हो, डायरेक्टर, क्योंकि आप बहुत अच्छे डिसीजन लेते हो, ठीक है, पूरी कंपनी आप पे डिपेंडेंट है,
तो बैंक अगर आपके आपकी शक्ल देख के लोन आराम से दे सकती है, बैंक बोलते हैं हाँ ये कंपनी का डेटर है, अगर ये गारंटी देता है तो मैं कंपनी को लोन दे दूंगा। सो डेट तो कंपनी क्या बोलती है आपसे कि आप यहाँ पर एज अ गारंटर यहाँ पर साइन कर दीजिए, मैं आपको कुछ कमीशन दे दूंगा। सो वट एवर द SSC और यू आर गेटिंग एनी कमीशन बाय वे ऑफ दिस दिस इनकम दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम ऑफ रेस एस्टेब्लिशमेंट। इनकम ऑफ रेस एस्टेब्लिशमेंट इसका क्या मतलब होता है सर? दैट मीन्स अगर मान लीजिए कोई एक SSC है, चलिए मैं आपको थोड़ा आपको ब्रीफली 2 पॉइंट में समझाता हूँ। देखिए रेस हॉर्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज हॉर्स रेस एंड सेकेंड वन इज ऑइन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? रेस हॉर्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप दोनों आपको बहुत शौकीन हो, बहुत शौकीन, आपके पास काफ़ी पैसा है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट के देख रहे हो, तो सोचा चलो आप जो है रेस हॉर्स में जाके आप पैसे लगाते हैं। तो आपने बहुत देखे TV, बहुत रेस हॉर्स देखते हो, या फिर आपने स्टेडियम में जाके आपने खूब अच्छे से देखा, आपने एनालाइज किया कि मैं कौन से घोड़े पे जाके आपको जो पैसे लगाने हैं। तो जो बुकी होता है आप उसको मान लीजिए अपने 5 लाख रुपये दिए और बोला ये लो जी 7 नंबर घोड़े पे आप पैसे लगा दो, ठीक है। सो अगर आपको मान लीजिए आपका घोड़ा रेस जीत जाता है एंड देन यू विल गेट 3 टाइम्स मनी दैट इज 15 लाख। देखिए आपने लगाए कितने, देखिए आपने लगाए कितने, सॉरी आपने इन्वेस्ट किया 5 लाख, ये आपने पे किया है एंड यू हैव अर्न 15 लाख फ्रॉम दिस अमाउंट। अब ये सवाल होता है कि कौन सी इनकम की आप जो इनकम पर ट्रैक्स, कौन सी इनकम पे, 15 लाख पे या उसके डिफरेंस पे दैट इज 10 लाख पे। यहाँ पर बात हो रही है हॉर्स रेस की, यहाँ पर गोल होती है वट एवर द SSC रिसीविंग एनी काइंड ऑफ मनी फ्रॉम द रेस हॉर्स दैट टोटल अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दैट मीन्स जितना SSC ने जितना भी अमाउंट रिसीव किया, ठीक है, उस रेस हॉर्स पे लगाने के लिए वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। दैट मीन्स आपने चाहे टिकट के लिए कितना पैसे क्यों दिया हो बुकी को, उससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट देती कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है बस वही टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैं आपको पहले बताता हूँ कि एग्जामिनर आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से फंसा करता है। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्दो इट्स अ इजी चैप्टर नो डाउट, बट थिंग इज देयर आर सम स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स वेयर स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर लिखा है ऑयनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स। सर ऊपर आपने हॉर्स रेस लिखा, नीचे आपने रेस हॉर्स लिखा, क्या डिफरेंस है सर? डिफरेंस इन द सेंस मान लीजिए आप अब आपका अब आप अपने ही घोड़े का, मान लीजिए आपका खुद का बिजनेस है, ठीक है, और आप अपने ही घोड़े को जो है दौड़ाते हो रनिंग में एंड आपका घोड़ा जीत जाता है, बट उस घोड़े पे आपने बहुत खर्चा भी किया होगा, ठीक है, तो इसमें जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो कौन सा होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स। अब आप पूछो कि सर ये तो PGBB में जाना चाहिए। जी नहीं जी नहीं, ये PGBB में नहीं जाएगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, ठीक है। रेस हॉर्स में अगर कोई किसी को कोई बिजनेस है उससे कोई लेन देना नहीं है, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक साफ साफ बोला हुआ है दैट एनी काइंड ऑफ मनी अर्नड बाय बाय एन SSC बाय वे ऑफ ऑइनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स दैट आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर?
यहाँ पर जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, बट इन दिस केस ओनली दी अर्नड इनकम, ठीक है, जितना हाथ में पैसा आया उतना ही सारा पैसा टैक्सेबल हो जाता है अंडर हॉर्स रेस, ठीक है। सो दीज आर दी जनरल इनकम दैट आर कवर्ड अंडर सेक्शन 56(1). ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 56(2). फर्स्ट वन इज लॉटरी विनिंग, लॉटरी हो गया, ठीक है, कोई टीवी शो हो गया, गैम्बलिंग हो गई, एनी काइंड ऑफ मनी रिसीव्ड बाय एन असेसी बाय वे ऑफ विनिंग ऑफ लॉटरी, गैम्बलिंग, ठीक है, ये एनी काइंड ऑफ टीवी शोज दैट आर विल बी स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक है ये सेक्शन 56(2), सॉरी, दैट आर स्पेसिफाइड दैट दे आर डेफिनेटली बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अच्छा मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें जो एसएससी जितना भी अमाउंट मिलता है इस पर जो है 30% टैक्स स्टेट अवे कट के मिलता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी लाइव क्लास में बताया है, जैसे देखिए केबीसी, केबीसी में जितना भी अमाउंट रहता हो चाहे वो 10,000 हो चाहे वो 1 करोड़ हो, ठीक है, तो उस पे ग्रोस अमाउंट पे जो है 30% TDS कट के आपके हाथ में मिलता है एसएससी को। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब एसएससी का ऑलरेडी 30% टैक्स कट चुका है तो वो आईटीआर में जब फाइल करेगा तो वो कौन सी इनकम दिखाएगा। जैसे मान लीजिए केबीसी में वो एसएससी 1 करोड़ जीता, उसके हाथ में आफ्टर डिडक्ट टैक्स कट के उसको कितना मिला, 70 लाख मिला। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो आईटीआर में कौन सा इनकम दिखाया, ग्रोस या नेट। अमाउंट तो वहां पर वो 1 करोड़ ही दिखाएगा क्योंकि उसने कमाया तो 1 करोड़ ही है, तो सर मतलब फिर से टैक्स देगा? जी नहीं, देखिए जो 30% TDS कट का उसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने आपसे 30% टैक्स कलेक्ट कर लिया है एंड वो गवर्नमेंट के पास सेफ है। अब जब भी आप अपने आईटीआर राइट रिटर्न फाइल करने जाओगे तो उसमें क्या होगा, जितने भी आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी होगी उसमें से ये अमाउंट ऑलरेडी लेस हो जाएगा। दैट मीन्स अगर लेस होने के बाद अगर अगर आपका लगता है कि रिफंड मिलेगा तो आपको रिफंड मिलेगा, और आपको लगता है कि आप जैसे मान लीजिए टोटल टैक्स कितना पे कर दिया आपने, 30 लाख, ठीक है, आपको पे करना था सिर्फ 20 लाख ही, तो 10 लाख आपको रिफंड मिलेगा। बट वहीं मान लीजिए आपने पे कर दिया 30 लाख बट आपको पे करना था 35 लाख, तो 30 लाख तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, दैट मीन्स आप आपको नेट आप आपकी लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 लाख की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम। सेकेंड पॉइंट है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम। देखिए ये पॉइंट में हमने ऑलरेडी इनकम फ्रॉम पीजीपीपी में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे आपको मैंने बताया था पीजीपीपी में कि अगर एम्प्लॉय कोई भी अगर प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रहा है, फॉर एग्जांपल आरपीएफ, तो वही सेम अमाउंट जो वो एम्प्लॉय से भी लेता है, ठीक है, मान लीजिए उसके नेट जो हो ग्रोस सैलरी सपोज 5 लाख है बट 10% वो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो वो एम्प्लॉय को कितना अमाउंट पे करेगा, नेट अमाउंट दैट इज 35,000 आफ्टर डिडक्टिंग 10% फ्रॉम हिज ग्रोस सैलरी। अब वो 5,000 जाएगा कहाँ पे, ऐसे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, मान लीजिए उसी के अंडर 100 एम्प्लॉयज हैं तो टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 5 लाख, एनुअली कितना हो गया, 60 लाख, तो वो 60 लाख एक्चुअली में गया कहाँ पर, पॉकेट में किसके गया है, एम्प्लॉयर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर एम्प्लॉयर टीडीएस डिफॉल्ट नहीं करता है, दैट मीन्स एम्प्लॉयर को वो अमाउंट जो है गवर्नमेंट के दैट हैज़ टू बी डिपॉजिट इन गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है, बिफोर दी आईटीआर ड्यू डेट, अगर उसने विद इन टाइम डिपॉजिट नहीं किया दैट मीन्स वो जो अमाउंट है दैट ऑलरेडी क्रेडिट इन दी पीएनएल अकाउंट ऑफ दैट एम्प्लॉयर, ठीक है, तो वो उसकी कोई जो डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैं आपको फिर से सुना देता हूँ, कोई एम्प्लॉयर है उस जब पीएनएल बनाएगा तो उसको जितना भी उसने अमाउंट कलेक्ट किया एज प्रोविडेंट फंड फ्रॉम ऑल ऑल एम्प्लॉयज कितना अमाउंट कलेक्ट किया, 60 लाख,
दिस अमाउंट विल बी क्रेडिट इन द पी एंड एल अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये तो उसकी इनकम बन गई, ठीक है, जो कि इनकम, जो कि ये इसको कहाँ पर डिपॉजिट करना है, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना है। बट कंडीशन क्या है यहाँ पर, कि इसको एम्प्लॉय को यहाँ पर जो है बिफोर ड्यू डेट उसको ये अमाउंट जो गवर्नमेंट के अकाउंट में सबमिट करना है, डिपॉजिट करना है। अब अगर डिपॉजिट नहीं किया, देखो अगर डिपॉजिट कर दिया तो वो 60 का 60 लाख यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, तो नेट इनकम इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेट विल बी जीरो, ठीक है। बट अगर नहीं किया तो क्या होगा, देन दिस इनकम विल बिकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर टाइमली अगर उसकी पेमेंट नहीं की, दैट होल इनकम विल बी डीम्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको वहाँ पर पीजीबी में बहुत अच्छे से पढ़ा था, वही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर रिपीट करा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दैट मीन्स वट एवर द एस एस सी अर्निंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, ठीक है, तो दैट होल इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट वन इज हायर इनकम ऑफ पी प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस जस्ट 10 मिनट्स अगो। देन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीट्स, सर ये क्या मतलब होता है समझ नहीं आता है। देखिए मान लीजिए आप किसी कंपनी में बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, ठीक है, दैट मीन्स आप मान लीजिए वहाँ पर जो की मैन हो, की मैन समझ हो, दैट मीन्स कंपनी जो है आप पे कुछ पर्सन होते हैं, कुछ 5-6 बंदे होते हैं कंपनी में जो कि कंपनी के की मैन होते हैं, दैट मीन्स पूरा जो कंपनी का जो लाइक बर्डन है ना वो आपसे चलता है, दैट मीन्स यू आर लाइक वेल एफिशिएंट, आप जो टाइमली सारा काम कर देते हो प्लस क्वालिटी का काम करते हो, ठीक है, तो आप सब कौन हो, अच्छे एक की मैन पर्सन हो, ठीक है। अब इसमें जो है कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को जो है खोना नहीं चाहता, तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय कंपनी जो है अपने की मैन एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए सबका जो है इंश्योरेंस कर रखता है। सबका जो इंश्योरेंस कर देता है एंड वट एवर द अमाउंट रिसीव्ड एज बेनिफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी रिसीव्ड बाय द की मैन, ठीक है, यानी जो की मैन है उसने रिसीव किया, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट अगर की मैन को इंश्योरेंस पॉलिसी से किसी भी तरह का कोई बेनिफिट मिलता है, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन, दिस पॉइंट ऑल्सो आई हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स, दैट इज रिलेटेड टू एनहांस कंपेंसेशन, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपेंसेशन दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट एडवांस मनी फॉरवर्डेड, दिस पॉइंट ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखिए जो पॉइंट मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, दैट मीन्स अब आप उस स्टेज पे आ गए जहाँ पर आपको इस चैप्टर में आपको ध्यान लगाने की जरूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आप अपना आपको मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए एंड मैं चाहूँगा कि आप जब भी पढ़ रहे हो, ठीक है, कभी पढ़ रहे हो इस पॉइंट को, तो थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ो ताकि आपके माइंड में सारी क्लैरिटी बहुत अच्छे से साफ साफ बैठ जाए, ठीक है। सो देखिए पॉइंट क्या करें, एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और इन एडिक्वेट कंसिडरेशन इन दी हैंड्स ऑफ रेसिपियंट। क्या मतलब हुआ सर इसका, मतलब अगर एसएससी कोई कहीं से भी उसको कोई भी मनी या कोई प्रॉपर्टी उसने रिसीव करी विदाउट कंसिडरेशन हो या फिर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन हो, दैट विल बी टैक्सेबल इन दी हैंड ऑफ रेसिपियंट, ठीक है। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू गिफ्ट, अभी मैं आपको थोड़ी देर में गिफ्ट बहुत अच्छे से सुनाऊंगा, ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नाइन्थ, दैट इज कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ सच कंपनी वेयर शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम।
ये पॉइंट भी मैं आपको बहुत अच्छे से बाद में समझा पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज आज पहले मुझे इस वीडियो में गिफ्ट जो है मुझे बहुत अच्छे से समझाना है, उसके बाद मैं आपको कुछ समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। अगेन दीज थ्री पॉइंट्स दैट मीन्स 8th, 9th एंड 10th, दीज थ्री पॉइंट्स आर बेसिकली पिलर्स ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपने इन तीन पॉइंट के क्रक्स को अगर आपने अच्छे समझ लिया तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप मास्टर हो, ठीक है, दैट मीन्स आपसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई गलती ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको हम वन बाई वन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे वेरी डीपली। चलिए तो पहले मैं आपको समझाऊंगा गिफ्ट, लेकिन गिफ्ट से पहले हम एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे, दैट इज ब्लैक मनी। देखिए इफ समवन आस्क यू व्हाट इज ब्लैक मनी, ब्लैक मनी होता है क्या एक्चुअली, मीन्स आप बोलते हैं तेरे पास तो काला पैसा पड़ा है, बोलते हैं नहीं भी तेरे पास पूरा व्हाइट है, मतलब क्या है, मतलब समझ नहीं आता कि अगर होता क्या। मतलब देखो अगर इसको हम लो की सिंपल टर्म्स बात करेंगे तो लो ने ब्लैक मनी की डेफिनेशन जो है इस तरह से बताई है। क्या क्या लिखा हुआ देखिए, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मनी ज्वेलरी। दैट मीन्स मान लीजिए आप कौन एसएससी हो, आपके पास बहुत सारा कैश पड़ा है, ठीक है, ज्वेलरी पड़ी है जो कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन किया हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने मेंटेन किया हुआ है, आपने लिखा हुआ हाँ मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, इतना कैश है, इतना मनी है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके घर में रेट बढ़ गई, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स, दैट मीन्स आपको ज्वेलरी कहाँ से मिली, क्या आपने खरीदी, खरीदी है तो आप रिसीट दिखाओ, ठीक है, पैसा है तो पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, ठीक है, तो वो सब आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई असेसी अगर इसको बताने में सक्सेस नहीं हो पाता, यानी कि असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, दिस आर कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड। एंड जब भी कोई चीज़ अगर ऐसी कोई भी टर्म अगर अनएक्सप्लेन्ड होती है, दैट आर कॉल्ड ब्लैक मनी, ठीक है। तो ब्लैक मनी की फर्स्ट डेफिनेशन है, दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ अनएक्सप्लेन्ड कैश, कैश क्रेडिट और मनी और ज्वेलरी, ठीक है, कुछ भी हो तो अगर अनएक्सप्लेन्ड है दैट आर टू बी ट्रीटेड एज ब्लैक मनी। नेक्स्ट पॉइंट इज अनडिस्क्लोज्ड कैश क्रेडिट मनी और ज्वेलरी। अनडिस्क्लोज्ड, अनडिस्क्लोज मीन्स आपके घर में रेट पड़ा, आपके घर में से बहुत सारा कैश मिला, मनी मिला, ज्वेलरी मिला, लेकिन इन सबको आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा ही नहीं है। अब चाहे आप इसको बोलोगे कि नहीं ये ज्वेलरी देखो मेरे को गिफ्ट मिला था, कौन से गिफ्ट मिला था सर, मेरे पिताजी ने दिया, अच्छा तो आपने क्या इसको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाया, नहीं, दैट मीन्स ये अनडिस्क्लोज है, एंड अनडिस्क्लोज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू ब्लैक मनी, ठीक है। यानी कि अगर आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है तो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपको ये पैसा कहाँ से मिला, और आपको असेसिंग ऑफिसर को आपको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। और या फिर दूसरा, आपने बुक्स अकाउंट मेंटेन भी नहीं किया, ठीक है, ना आपने कुछ बताया, और आप घर में रेट बढ़ गई, और आप ना तो आप इसको मतलब आपने चाहे एक्सप्लेन कर दिया हो, आपके पास चाहे पूरा रिकॉर्ड पड़ा हो कि देखो मेरे पास कैश यहाँ से आया, मैंने देखो लिखा हुआ है, मैंने देखो ये एक्स पर्सन से इतने 20,000 लिए, वाई पर्सन से मैंने 5 लाख रुपये लिए, मेरे पास उसकी रिसीट भी रखी हुई है, सब कुछ है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, बट आपने इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं किया, ठीक है, तो उस केस में इसको भी हम क्या मानेंगे, ब्लैक मनी। थर्ड पॉइंट इज अनडिस्क्लोज एज वेल एज अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। जैसे देखिए असेसी के जो खर्चे होते हैं वो बेसिकली पकड़े कर जाते हैं, जैसे मान लीजिए उसने बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी हो, प्रॉपर्टी खरीद ली हो, शादी ब्याह अपनी बेटी का अपने बेटे का बहुत खर्चा कर दिया, ठीक है, मतलब उसने अब तक ITR जो फाइल करता है वो तो बिलो सेलिब्रेट करता है, ठीक है, दैट मीन्स उसने अभी अपनी इनकम जो 5 लाख से कम दिखा रखी है, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी की बारी आई, ठीक है, तब उसने जो है उसने उसने बेटी की शादी में जो है 1 करोड़ रुपये खर्च कर दिया या 10 करोड़ रुपये खर्च कर दिया। यानी कि जिसने आज तक ITR में एक टैक्स भी पे नहीं करा तो वो अपने बेटे की शादी में 10 करोड़ रुपये कैसे खर्च कर रहा है। तो अगर आपने इसको या तो अनडिस्क्लोज यानी बताया ही नहीं खर्चा, या फिर इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दैट एक्सपेंडिचर आल्सो ट्रीटेड एज ब्लैक मनी।
क्योंकि जो आपने खर्चा किया है वो आपकी इन वो पहले तो आपकी इनकम थी ना, आपके पास पहले पड़ा था, तो आप उसको बता नहीं पाए, असेसिंग ऑफिस को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि इनकम आपकी कहाँ से आई। ठीक है, सो अंडर दिस पॉइंट द डेफिनेशन ऑफ ब्लैक मनी इज क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, एंड ब्लैक मनी पे स्टेट अवे देखिए 30% टैक्स करता है, 30% कुछ भी कर लो। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जैसा मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर जो किसी घर रेड मारने गए, अब वहाँ पर जो पर्सन था मान लीजिए राम बाबू, उसके घर में गए और उनके घर में से काफ़ी सारे लाइक आर्टिकल्स, ज्वेलरी, मनी, बॉन्ड्स, बहुत कुछ मिला, पूरा एक बक्सा मिला। मान लीजिए उसकी जो टोटल वैल्यू सपोज 100 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब ना तो वो उसको अनएक्सप्लेन कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ना तो उन्होंने उसको डिस्क्लोज किया, तो दैट मीन्स इसको क्या मानेंगे, ब्लैक मनी। अब जब ब्लैक मनी आती है तो ब्लैक मनी का प्रोसीजर क्या होता है, देखिए जब रेड लगती है तो पहले तो मैंने आपको बता दिया टैक्स कितना लगेगा जी, 30%। 30% ऑफ व्हाट, जितना अमाउंट आप रेड में कलेक्ट किया, कितना, 10 करोड़, ये अमाउंट कलेक्ट किया टोटल, इसकी वैल्यू इतनी आई, तो 30% ऑफ दिस अमाउंट। देन उस पर पेंट लगती है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इसकी, 3 टाइम्स ऑफ टैक्स, टैक्स कितना बनेगा, 3 करोड़, पेनल्टी कितनी होगी, 9 करोड़, वैल्यू कितनी थी, 10 करोड़, 2 करोड़ फालतू और, अभी तो रुको, अभी तो इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट और हैवी है, समटाइम्स तो इंटरेस्ट ऐसी होती है कि जेल यात्रा भी हो जाती है अपने यहाँ से, जेल यात्रा भी हो जाती है। तो आप खुद सोचिए, अगर किसी के घर में रेड बढ़ जाए और उसको ब्लैक मनी मिल रहा है तो उसका कैसा शक्ल बन जाएगी, वो तो बोलेगा कि भैया आप ले जाओ, मेरे को तो वापस लेना ही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट मान थोड़ा ना है, आपको तो लेना पड़ेगा, आपको ये सब पेमेंट करनी पड़ेगी, तब आप ये ले जाओ, हम क्या करेंगे रखे। ठीक है, सो ये प्रोसीजर तो ब्लैक मनी का। लेकिन राम बाबू ठहरे थोड़े अकलबंद, अब राम बाबू बोलते हैं आओ बैठो, हिसाब किताब लगाते हैं, बोलते हैं ये जो इनकम है ये मेरी पूरी वाइट मनी है। अब असेसिंग ऑफिसर को चैलेंज कर दिया कि ये मेरी मेरी पूरी वाइट मनी है। अब असेसिंग ऑफिसर बैठ गए अपना लैपटॉप लेके, भाई हम भी देखते हैं, हमने भी कानून पढ़े हैं, थोड़े दाव पेच तो हमें भी पता है भैया। तो चैलेंज हुआ कि बता कौन से कानून में ये बताया लिखा है कि ये वाइट मनी है, क्योंकि ब्लैक मनी के डेफिनेशन मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि अनडिस्क्लोज या फिर अनएक्सप्लेन, किसी भी टाइप की आर्टिकल अगर किसी घर मिल रहा है, दैट आर टू बी ट्रीटेड एज ब्लैक मनी। ठीक है, अब राम बाबू है कह रहे ठहरो रुक जाओ, देखो ये जो आपने टोटल जो बिल लगा ली है 10 करोड़, ये मेरी वाइट मनी है। अब असेसिंग ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है कि ये इसको वाइट मनी किस तरह से कह रहा है और चैलेंज कर रहा है इसको, कह रहा है आप मेरे इस पैसे पे आपको हाथ ना तो आप राइट है कि आप इसको मेरे घर से बाहर ले जाओ, ठीक है, और मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि ये मेरी पूरी पूरी वाइट मनी है। असेसिंग ऑफिसर सोचता ठीक है, अब आप बोलो, आप इसको प्रूफ करो ये ब्लैक मनी नहीं है। अब राम बाबू बहुत दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि ये जो आपने सब पकड़ा है ना, ये है गिफ्ट। असेसिंग लोग क्या बोलते हैं, क्या गिफ्ट, मतलब ये कि ये सब गिफ्ट है, मुझे बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट दिया है। अच्छा, तो साबित करो किस किसने गिफ्ट दिए। देखिए गिफ्ट जो है मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने दिए, तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिफ्ट दी, गिफ्ट सॉरी लिस्ट दी, उसमें तो देखिए सोहन के देखिए 10 नाम निकले, मोहन के तो 20 नाम निकले, ठीक है, ऐसे तो मल्टीपल नाम के पता नहीं कितने कितने नाम निकले, तो उन्होंने कम से कम 150 लोगों की लिस्ट दे दी। तो असेसिंग ऑफिसर से अच्छा चलो ठीक है मान लिया, इन सब लोगों ने आपको गिफ्ट दिया, कहता ये कौन है, जी ये सब मेरे दोस्त हैं, सब दोस्त हैं, इन्होंने आपको गिफ्ट दिया, हाँ जी दिया, क्यों दिया, जी मेरे चाहने वाले, मेरा नाम राम है, मेरे चाहने वाले बहुत हैं, मेरे को बहुत लोग
पसंद करते हैं, गिफ्ट दिया उन्होंने। अच्छा तो इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर दो। कॉन्टैक्ट नंबर किस लिए? कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा उनका, आपने इनसे गिफ्ट लिया। तो रामा बोलते हैं ये कौन से कानून में लिखा है कि गिफ्ट लेते टाइम उनसे कोई किसी से कॉन्टैक्ट नंबर लो, ये तो कानून में लिखा नहीं है। ऐसे तो हाँ बोलते ठीक है, हाँ सही बात है कि भी गिफ्ट लेते टाइम किसी से कुछ हम तो कॉन्टैक्ट नंबर लेते ही नहीं हैं। तो अब राम बाबू थे, कहते ये लिस्ट है मैंने आपको दे दी, अभी जहाँ भी इनको पकड़ो। कह रहे लेकिन आप आपके दोस्त हैं, आपको पता तो होंगे कहाँ पर हैं। नहीं नहीं ये मेरे दोस्त नहीं हैं, ये तो बहुत पुराने दोस्त थे, पता नहीं अब तो कब इन्होंने कि तोहफे दिए थे, मुझे तो याद भी नहीं है। मैं मतलब इनसे गिफ्ट मिला, मैंने इनसे सारे से तोड़ दी है, मतलब अगले दिन से तोड़ दी जैसे गिफ्ट मिला। अच्छा तो इस प्रकार से गिफ्ट की उस टाइम डेफिनेशन पूरे लॉ में कहीं नहीं लिखी थी कि अगर किसी भी तरह का अगर कोई अनडिस्क्लोज अगर आर्टिकल मिलता है और वो गिफ्ट में हो तो वो क्या वो टैक्सेबल होगा, वो पूरे के पूरे लॉ में कहीं पर भी लिखा था। ये मैं जो आपको पूरी जो स्टोरी बता रहा हूँ ये आपको बता रहा हूँ 2004 से पहले की, क्योंकि गिफ्ट का जो टैक्सेबल जो ट्रीटमेंट था लॉ में वो 2004 में इम्प्लीमेंट किया था गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम बोला हुआ कि अगर कोई भी असैसिन अगर किसी भी तरीके से गलत तरीके से अनडिस्क्लोज अमाउंट को अगर गिफ्ट बताता है तो उसको भी हम ब्लैक मनी ही मानेंगे। ठीक है, देखिए गिफ्ट होता क्या है बेसिकली, कुछ नहीं होता कि ब्लैक मनी के ऊपर एक कपड़ा चढ़ा देते हैं, अच्छे कपड़े पहना देते हैं पैकिंग करके, वो बोलते देखो गिफ्ट, लेकिन होता क्या असल में ब्लैक मनी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गिफ्ट जो टैक्सेबल ही होता है, मैं ये नहीं कह रहा टैक्सेबल एग्जेम्प्ट भी होते हैं, बट वो कौन से गिफ्ट होने चाहिए, जेन्यून गिफ्ट। ठीक है, देखिए मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ और अभी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि गिफ्ट अगर कोई जेन्यून है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, बट नॉन जेन्यून वो हमेशा टैक्सेबल होगा। आप धीरे धीरे पढ़ोगे, जब मैं आपको अभी आपको मैं आपसे बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा तो आप खुद दिखोगे कि हाँ ये गिफ्ट तो जेन्यून है और ये तो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, और आप पता भी लगा कि ये नहीं ये तो नॉन जेन्यून है तो ये तो टैक्सेबल होंगे। ठीक है, आप पढ़ते हैं गिफ्ट अच्छे से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिफ्ट क्या है, या तो जेन्यून भी हो सकते हैं या फिर नॉट जेन्यून। जेन्यून होंगे तो नॉट टैक्सेबल, और अगर नॉट जेन्यून है तो टैक्सेबल, यही मैंने आपको बताया था। सो दैट मीन्स जेन्यून गिफ्ट इज ऑलवेज इक्वल टू एग्जेम्प्टेड गिफ्ट, दैट मीन्स दीज ऑल गिफ्ट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट टू नॉट टैक्सेबल। ठीक है, सो अब देखिए गिफ्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अच्छे से। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज ऑफ एसेसी, गिफ्ट अपॉन डेथ, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन। सर आप बोल रहे गिफ्ट अपॉन डेथ, गिफ्ट डेथ में कौन गिफ्ट देता है? देखिए लॉ में कहीं गिफ्ट नहीं लिखा, लॉ में गिफ्ट नहीं लिखा सर, मतलब गिफ्ट नहीं लिखा और आप अपनी मतलब आपने लॉ ही चेंज कर दिया। जी नहीं, लॉ मैंने चेंज नहीं करा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। देखिए लॉ में लिखा क्या है, लॉ में ये लिखा है, यहाँ देखो कंसिडरेशन रिसीव्ड, सॉरी 8 पॉइंट, एनी सम ऑफ मनी और रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इन दी हैंड ऑफ रेसिपिएंट दैट वुड बी टैक्सेबल। अब आप कुछ कुछ सोचिए, अगर आपको कोई भी विदाउट कंसिडरेशन कोई भी अमाउंट देगा तो उसको गिफ्ट ही मानोगे? डेथ के केस में किस तरह से मिल सकता है, या तो विल के थ्रू, या पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू, इसी के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो गिफ्ट अपॉन डेथ में दैट मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी कैपिटल एसेट जो है, किसी भी तरह का एसेट जो है वो डेथ में वो विल या पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है दैट इज गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव का मतलब क्या है कि अगर कोई भी गिफ्ट अगर किसी रिलेटिव से मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है। सर एग्जेम्प्ट है मतलब कितना अमाउंट टैक्स, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, अनलिमिटेड, इसी कोई लिमिट ही नहीं है। यानी अगर आप किसी भी रिलेटिव से कितना भी अमाउंट गिफ्ट आपको मिला हो रिलेटिव से तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। यानी कि कितना भी आपको गिफ्ट मिले, कभी भी मिले, कैसे भी मिले,
तो वो पूरा पूरा गिफ्ट जो है वो एसएससी के हाथ में एग्जेम्प्ट है। आपको आगे बताऊंगा कि रिलेटिव है कौन, ठीक है। गिफ्ट केस में रिलेटिव की डेफिनेशन अलग है, ठीक है। तो रिलेटिव आपको मैं आगे अच्छे से बताऊंगा कि अगर इन रिलेटिव से अगर आपको कितना भी गिफ्ट मिले, कितना भी अमाउंट का, कोई भी एसेट हो, चाहे मनी हो, चाहे ज्वेलरी हो, कोई भी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, कुछ भी मिले, एनी काइंड बाय वे ऑफ गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिलता है, दैट आर टोटली एग्जेम्प्ट इन दी हैंड ऑफ एसएससी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गिफ्ट ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज ऑफ एसएससी। आपकी शादी है, आपकी शादी में बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। आपकी शादी में गिफ्ट कौन कौन दे सकता है? सिर्फ कोई भी दे सकता है, सिर्फ रिश्तेदार देते नहीं हैं, बहुत आस पड़ोस वाले देते हैं, फ्रेंड्स वगैरह देते हैं, फैमिली कोई फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। हाँ, तो जैसे स्टेज पे खड़े होते हैं ना दोनों कपल, हाथ फैलाएं, आओ गिफ्ट दो, बोलते हैं आओ गिफ्ट दो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो टैक्सेबल ही नहीं होता, वो खुशी खुशी गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ये इनकम तभी एग्जेम्प्ट होगी अगर गिफ्ट कब मिला, मैरिज, किसकी मैरिज में, एसएससी की मैरिज में। दैट मीन्स अगर मान लीजिए गिफ्ट जो है किसको मिला, एसएससी के फादर को, शादी किसकी है, एसएससी की, गिफ्ट किसको मिल रहा है, एसएससी की फादर को, तो वो टैक्सेबल फादर के हाथ में हो जाएगा क्योंकि फादर की शादी नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, एसएससी की शादी हो रही है। तो यानी कि अगर एसएससी की खुद की शादी हो रही हो, वो खुद को ही गिफ्ट मिल रहा है, तो गिफ्ट से कुछ भी मिला हो, कुछ भी मिला हो, लेकिन कब मिला हो, मैरिज ओकेशन मिला हो, तो जितना भी मिलेगा वो सब टैक्स क्या होगा, नॉट टैक्सेबल, दैट इज एग्जेम्प्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज गिफ्ट अपॉन डेथ, और दैट मीन्स पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू या विल के थ्रू, कोई भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी मिलता है, दैट आर टोटली एग्जेम्प्ट। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। देखिए, जब सरकार गिफ्ट का जब प्रोविजन लेके आ रही थी, तब सरकार ने सिर्फ ये तीन पॉइंट सुनाए थे, सरकार ने सिर्फ ये तीन पॉइंट ही एक्सप्लेन किए थे, फोर्थ पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो फोर्थ पॉइंट में क्या था, जैसे गिफ्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन, दैट मीन्स जैसे गांव गांव में क्या कहता है पंचायत, तो इसमें कहता है कि अपने गांव की जो लड़कियां होती हैं उनको प्रोत्साहित करने, मोटिवेट करने के लिए कि आप आगे जाके पढ़ाई करो अच्छे से। तो वो क्या करते हैं कि जो लड़कियां 10th पास करेंगे उनको पंचायत से 10 10 10 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो अगले साल क्या हुआ, कम से कम उस गांव में जितने 1,000 लड़कियां थी सबको जो है 10वीं पास किया बहुत अच्छे नंबरों से, और पंचायत ने फैसला कि ठीक है सबके अकाउंट में 10 10 हज़ार रुपये। तो अब सरकार आई उनके घर में, उनसे पूछताछ की कि ये अमाउंट फंसा है, तो उन्होंने बोला कि सरकार पूछती कि आपको किसी ने, रिश्तेदार ने पैसा दिया? जी नहीं, क्योंकि सरकार ने सिर्फ तीन पॉइंट बनाए थे, तो तीन पॉइंट से मुझसे पूछेगी। पहले सरकार ने पूछा क्या आपको 10 हज़ार किसी रिलेटिव से मिले? जी नहीं। क्या ये आपकी शादी में मिले? शादी अभी तो 10वीं पास करी, कहाँ से शादी की बात कर रहे हो? अच्छा, दूसरा गिफ्ट अपॉन डेथ, किसी की डेथ में मिला? जी नहीं। तो फिर तो टैक्सेबल है। तो अब इसमें जो है काफ़ी समस्या खड़ी हो गई थी सरकार के लिए, क्योंकि लोगों ने इसका बहुत अगेंस्ट जो है डिबेट हुआ उसकी बहुत ज़्यादा, कि भी ये तो एजुकेशन को मोटिवेट करने के लिए, स्पेशली गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, तो ये जो 10 10 10 10 1000 मिले हैं ये तो अच्छे काम के लिए मिले हैं, तो इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने इस पर बहुत डिस्कस किया, बहुत सोचा, तब गवर्नमेंट ने इसका एक फोर्थ पॉइंट और बना दिया, दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन, दैट मीन्स ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA, लोकल अथॉरिटी दैट आर कवर्ड अंडर सेक्शन 1020, एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूट दैट आर कवर्ड अंडर 1023C। अगर इन स्पेसिफाइड पर्सन से अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है, दे आर टोटली एग्जेम्प्ट। ओके, सो ये हमने पढ़ा है जेन्युइन। आपको पता लगा, देखो ये सब कौन से गिफ्ट है, जेन्युइन गिफ्ट है। रिलेटिव से मिला, रिलेटिव तो कोई भी गिफ्ट देते रहते हैं, आप नानी के घर गए, नानी ने आपको 100 रुपये पकड़ा दिए,
ये तो मैं आपसे छोटी छोटी अमाउंट कर रहा हूँ, बड़े बड़े अमाउंट के देखो, अम्बानी कभी अपने नानी घर गया हो, वो लेकर 50 करोड़ रुपये मानेगा, वो 10 करोड़ लेके आया होगा, तो वो तो आपका टैक्स होगा ही नहीं, जेन्युइन नानी ने दिया, आशीर्वाद में दिया, ठीक है। ऐसी शादी में गिफ्ट ही मिलेंगे और क्या मिलेगा, अगर वो सारा गिफ्ट टैक्सेबल हो जाए तो लोग गिफ्ट देना लेना ही बंद कर देंगे, खुशियाँ कहाँ से आएंगी फिर, ठीक है। ऐसे गिफ्ट ऑफ डेथ दैट मीन्स विल क्लियर पावर ट्रेन थ्रू, कोई भी अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है दैट आर ऑल्सो जेन्युइन, ठीक है। सो ये भी टैक्सेबल नहीं होता। सो ये था आपकी जेन्युइन गिफ्ट फर्स्ट फोर पॉइंट्स। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया, गिफ्ट देखिए दो तरह के होते हैं, एग्जेम्प्टेड एंड नॉट एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड दैट मीन्स टैक्सेबल ही नहीं है, बट अगर जो गिफ्ट नॉट टैक्सेबल हैं वो या तो टैक्सेबल हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, मे बी टैक्सेबल और मे नॉट बी टैक्सेबल, दोनों केस हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऐसे कौन से गिफ्ट हैं जो कि नॉन एग्जेम्प्टेड हैं लेकिन वो टैक्सेबल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा मैंने आपको पहली बार आपको प्रोमिस किया था कि अगर कोई जेन्युइन गिफ्ट होगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा, दैट मीन्स यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन से गिफ्ट ऐसे हैं जो कि जेन्युइन हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन एग्जेम्प्टेड गिफ्ट, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर आप जो टॉप पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हो, जो भी टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हो, वहाँ पर आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन कौन से गिफ्ट जो हैं मे बी टैक्सेबल हो सकते हैं या फिर मे नॉट बी टैक्सेबल, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट इज मनी रिसीव्ड एज गिफ्ट, मनी रिसीव्ड एज गिफ्ट, मनी रिसीव्ड एज गिफ्ट। सर किससे मिला, नहीं लिखा किससे मिला, लिखा ही नहीं है, तो एग्जाम मैंने एग्जाम उसके नहीं लिखा, एग्जामिनर आपको ऐसे फंसाएगा, गिफ्ट लिखा किससे मिला, लिखा ही नहीं, तो क्या मांगे चलोगे, नॉन रिलेटिव पर्सन से, ठीक है, क्या मांगे चलोगे इसमें आप, गिफ्ट जो रिसीव किया वो किससे रिसीव किया है, नॉन रिलेटिव पर्सन से। ओके सो मनी रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड टैक्सेबल कब होगा ये, इफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गिफ्ट ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड ₹50,000 देन टोटल सच गिफ्ट विल बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पॉइंट बताता हूँ जो कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मनी रिसीव किया गिफ्ट के फॉर्म में, और अगर वो गिफ्ट एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गिफ्ट ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड ₹50,000 देन टोटल सच गिफ्ट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए ये कौन है, असेस यानी कि इन्होंने गिफ्ट खरीदा, मिला नहीं, कहाँ से गिफ्ट मिला, जैसे मान लीजिए इनको जो है ₹60,000 मिले, 60,000 मिले कहाँ से मिले, फादर ने दिए, अच्छा और क्या क्या मिला, ₹20,000 दिए किसी, दिए कोई एक फ्रेंड था, अच्छा ₹10,000 भी मिले गिफ्ट से, किसने दिए, किसी दूसरे फ्रेंड ने दिए, उसके बाद 30,000 और मिले, ये कहाँ से है, कोई और थर्ड फ्रेंड था वहाँ से मिले। अब आपको देखना है कि कौन कौन सी इनकम पे जो गिफ्ट मिला है वो कौन कौन सी गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल है। देखो पहला तो जो पॉइंट है वो क्या है, फादर, तो फादर को तो आप भूल ही जाइए क्योंकि वो तो आपका पूरा एग्जेम्प्ट है, ठीक है, रिलेटिव में आते हैं, ठीक है, तो वो तो एग्जेम्प्ट ही है, खत्म बात। अब बात आती है यहाँ पर नॉन एग्जेम्प्टेड, ये तो एग्जेम्प्ट है, अब बात करते हैं एग्जेम्प्टेड की, नॉन एग्जेम्प्टेड की, क्योंकि किससे मिला आपको सारे गिफ्ट, नॉन रिलेटिव से, नॉन रिलेटिव में क्या लिखा हुआ है, इफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गिफ्ट ड्यूरिंग द ईयर, तो पूरे साल में आपको कितने गिफ्ट मिले, कितने के गिफ्ट मिले, नॉन रिलेटिव से 20,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 टोटल कितना हो गया, 60,000। नाउ दिस टोटल अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस,
मीन्स अगर जैसे ये गिफ्ट 15,000 क्रॉस करेगा सर, 49,000 तब भी टैक्सेबल है। तुम 49,000 की बात करो, मैं 50,000 की बोल रहा हूँ। दैट मीन्स अप टू 50,000 एग्जेम्प्ट। 50,000 जैसे ही क्रॉस किया, दैट मीन्स 50,000 1 रुपी हुआ, दैट टोटल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज, पहले का पॉइंट क्या क्या पड़ा था, गिफ्ट में मनी रिसीव हुई थी, अब क्या रिसीव हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पर, लैंड या फिर बिल्डिंग, लैंड या बिल्डिंग या फिर बहुत भी उसको बोल सकते हैं बहुत। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पर, इफ एग्रीगेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अब यहाँ पर ये वर्ड काटना है आपको, लिखना है, लिख के काटना है ऐसे, क्यों सर, याद रखने के लिए कि यहाँ पर एग्रीगेट अमाउंट नहीं आएगा। देखिए पॉइंट क्या पर, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ गिफ्ट मोर देन 50,000 देन सच स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज टैक्सेबल। देखिए ऊपर हमने क्या पढ़ा था, मनी। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी मिलती है, कौन सी, लैंड या बिल्डिंग, तो उसकी वैल्यू कैसे आप मेजर करते हो, तो उसकी वैल्यू आप मार्केट वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर होती है जो मेजर होती है थ्रू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू, अगर उस लैंड या बिल्डिंग की वैल्यू अगर आपको आपको किसने गिफ्ट में दे दिया, फ्री में दे दिया, गिफ्ट ऑब्वियसली फ्री में, और अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू अगर 50,000 से क्रॉस हो जाए तो वो रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मैं आपको देखो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल करा देता हूँ। यहाँ से देखिए, मान लीजिए ये कौन है, SSC है। अब इनको देखो, पहले तो इनको एक जमीन मिली, किन से मिली, फादर से। इसके बाद मान लीजिए इनको एक फ्लैट मिला गिफ्ट में, किससे मिला, एक फ्रेंड था मिला, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, 45,000, बट मार्केट वैल्यू कितनी थी, 90,000। ठीक है, अच्छा फिर इनको और क्या क्या मिला, इनको कैश भी मिला, कैश मिला 40,000 का, कैश मिल गया, किससे मिला, कोई एक और फ्रेंड था। उसके बाद एक और फ्रेंड था, दोस्त बहुत अच्छे हैं, रिश्तेदारी बहुत अच्छी निभाती है उनकी, क्या मिला उनसे, एक ज़मीन मिली, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 90,000 में, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 2 लाख है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले तो बात करेंगे हम फादर से, जो भी ज़मीन है, ये कौन है फादर, कौन है, रिलेटिव है, ब्लड रिलेशन आते हैं, सो फादर के थ्रू कुछ भी मिला हो, चाहे मनी मिला हो, चाहे प्रॉपर्टी मिली हो, इमूवेबल हो, मूवेबल हो, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है, तो उसका तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, तो आपको कुछ समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंड वन से क्या मिला, कौन है फ्रेंड, नॉन रिलेटिव पर्सन है, क्या मिला, फ्लैट, तो कौन सा नंबर पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, नॉन एग्जेम्प्टेड में कौन सा पॉइंट होगा, सेकेंड पॉइंट। अब आपको देखना है कि अगर सिंगल सिंगल, यहाँ पर एग्रीगेट नंबर नहीं है, इफ द सिंगल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी एक्सीड 50,000 देन ओनली विल बी टैक्सेबल। इट मीन्स यहाँ पर ये जो फ्लैट मिला वो नो टैक्सेबल है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 40,000 45,000, हमें मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैश, कैश मिला, किससे मिला, फ्रेंड से मिला, तो किस में आएगा आपका, ये फर्स्ट पॉइंट में आएगा, ये फर्स्ट पॉइंट में कवर कर रहे हैं, बट उसमें लिखा था एग्रीगेट अमाउंट इफ सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गिफ्ट और कैश एक्सीड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, पूरे साल में देखो कितना कितना मिला, 40,000 मिला, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एक और अनदर फ्रेंड है जिन्होंने क्या दिया, जमीन दी को, तो कौन से पॉइंट में कवर हुआ है, नॉन एग्जेम्प्टेड के सेकंड पॉइंट में। अगर उस स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू कितनी है, 90,000 है, सिंगल है, तो वो एक्सीड कर गया तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर,
90,000 इससे मिला और 45,000 यहाँ से मिला, इन दोनों को ऐड करके निकालते हैं, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्रीगेट वर्ड आपको काटा हुआ है, इसलिए मैंने काटा हुआ है ताकि आप मिस्टेक ना करो। आपको सिंगल सिंगल एम ओवर प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखनी है। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जैसे ही 50,000 से एक्सीड करे, दैट प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। देखिए, जब सेकंड पॉइंट आया था तब लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। धज्जिया मतलब कानून का बहुत मजाक उड़ाया। मतलब आपको सोचिएगा, किसी भी प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ये 1,000 में होती है, 50,000 से कम, मतलब कितनी जमीन खरीद रहे हो, एक कदम की या दो कदम की? मतलब ऑब्वियसली 50,000 की देखो इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखिए, ये टोटली इम्पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकल ही पॉसिबल नहीं है कि किसी भी लैंड या किसी भी बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 50,000 ही हो, ठीक है। सो उस केस में इसका जो है लोगों ने बहुत फायदा उठाया। कैसे? एक बिल्डिंग है, एक फ्रेंड के पास है, उसने एक ये जो है असेसी को दे दिया। पहले वो गिफ्ट में दे रहा था, जिसकी वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 5 लाख रुपए हैं उस जमीन की वैल्यू, 5 लाख रुपए हैं। तो अब 5 लाख रुपए है तो टैक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड वन क्या करता है, असेसी क्या बोलता है इसको दिमाग लगाने के लिए, कि भाई तू मुझे ना फ्री में मत दे, मैं तुझे इसके ना पैसे देता हूँ। कितने? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000, तो वो नॉट टैक्स हो जाएगा क्योंकि गिफ्ट तो है ही नहीं, गिफ्ट तो है ही नहीं क्योंकि कंसिडरेशन में लिया है। और कितनी कंसिडरेशन में? 40,000 में, जो कि 50,000 से भी कम है। तो इस केस में गवर्नमेंट की बहुत जो है यहाँ पर लोग मजा आया। तो गवर्नमेंट ने जब इसको रिलैक्स करा तो गवर्नमेंट को पेन उठाना पड़ा और अपना कानून में कुछ पॉइंट्स ऐड करने पड़े, जैसे कि थर्ड पॉइंट में लिखा होगा। देखिए, ये पॉइंट मैं समझा, जो मैंने आपको समझाया है, ये जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है। क्या लिखा? देखिए, ए मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन बिलो एसडीवी एंड बेनिफिट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन एक्सीड 50,000 एंड प्लस अमाउंट ऑफ इक्वल टू 5% ऑफ कंसिडरेशन। ये पॉइंट देख के आपको कुछ याद आया होगा दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अंडर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है ना? आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए वो पॉइंट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू या परचेज प्राइस अगर एसडीवी से कम है, ठीक है, एसडीवी से कम है, और अगर उनका डिफरेंस 5% से ही ज़्यादा हुआ, तो सेल कंसिडरेशन क्या मान के चलते हम, एसडीवी, ठीक है। इसको भी मैं फिर से सुना दूंगा अगर आप भूल गए हो तो। पहले एक बार इस पॉइंट को क्लियरली अच्छे से एक बार पढ़ते हैं। एनी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन, पैसे में खरीदा हूँ बिलो एसडीवी, जैसे देखिए इसी पॉइंट में बिलो एसडीवी है, एसडीवी कितनी है, 5 लाख है, खरीदा कितने में, 40,000 में। तो देखिए डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर, बहुत डिफरेंस हो गया। कितने का? 4,60,000 का। तो बेनिफिट कितना होगा किसी को, 4,60,000 का। सो बेनिफिट अगर 50,000 से एक्सीड कर रहा है, हाँ जी 50,000 एक्सीड कर रहा है, प्लस अमाउंट इज इक्वल टू 5% ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। ये आपको मैं अभी एग्जाम्पल के थोड़ा कुछ समझाता हूँ, इस पॉइंट का मतलब क्या है। देखिए, पहले तो आपको मैं बताता हूँ एस डी बी का मतलब क्या है। पर आखिर ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है क्या? इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये एस डी बी है क्या? देखिए, एस डी बी का मतलब क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब सर, देखिए मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कौन निकालता है, एम सी डी, एम सी डी या फिर कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो उस एरिया के अकॉर्डिंग उस जमीन की वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो निकाल दी जाए। लेकिन वो फ्रिक्वेंटली नहीं होती है, यानी दैट मीन्स हर 3 या 4 साल में वो रिवाइज होती है। अब क्वेश्चन ये रह सकता है कि हम प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है कौन से दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालें। जैसे मान लीजिए आज आप एक प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो, ठीक है, आपने आज उसका जो है एडवांस में कुछ पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए लोन में लिया, लोन होते होते मान लीजिए 2 महीने लग गए, ठीक है। अब जब आप
खरीदने गए, जब फाइनली आपने रजिस्ट्री करने गए, तब उसकी वैल्यू कुछ और होगी। वैसे देखो गवर्नमेंट बोलती है स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू जो है वो हम कम से कम कर देते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री। रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन जो है आपको सारे पेपर प्लस घर की चाबी आपको हैंड ओवर कर देते हैं, उसको बोलते हैं रजिस्ट्री, ठीक है। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, तो SDV के यहाँ पर मिला है स्टैम्प ड्यूटी वाली है कि जिस दिन घर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उस दिन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। लेकिन आपने वो प्रॉपर्टी पहले ही 2 महीने पहले बुक कर दी थी एडवांस देके, 2 महीने डिले हो गया बिकॉज ऑफ लोन। अब 2 महीने बाद मान लीजिए जब आपने प्रॉपर्टी बुक की थी तो आपने कितने में बुक की थी, 50 लाख में। अब उसकी वैल्यू मान लो कितनी होगी, 60 लाख होगी 2 महीने बाद ही, क्योंकि रिवाइज होगी। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी जो है कौन सी माने, रजिस्ट्री डेट की माने या एडवांस डेट की माने। तो इसमें गवर्नमेंट ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। गवर्नमेंट बोलती है कि जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी को, क्या उसने जो एडवांस पेमेंट है उसने किस तरीके से पे करी है, किस तरीके से मतलब कैसे पेमेंट किया है, चेक से किया है, बैंक के थ्रू किया है या कैश से किया है। सर कैश से किया है, कैश से किया है इसका मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने ये पैसे प्रॉपर्टी के लिए ही खरीदे हैं। सर अग्रीमेंट कराया, अग्रीमेंट तो बैक डेट से बन जाते हैं, अग्रीमेंट फॉर सेल तो बैक डेट से नकली बन जाते हैं, ठीक है। आजकल तो पता नहीं क्या क्या नकली बन रहा है, तो अग्रीमेंट का पता नहीं क्या क्या लिखवा लो, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट बोलती है 2 कंडीशन है, पहले आपको जो भी पेमेंट करो एडवांस में वो आप चेक से करो प्लस अग्रीमेंट हो, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो हम SDV उसी डेट के मानेंगे जिस दिन आपने उसकी एडवांस पेमेंट की हो, ठीक है। अदरवाइज हम SDV कौन सी डेट के लेंगे, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे क्लियर करना था SDV का, बिकॉज समटाइम्स जो है कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करता है। इन फ्यूचर जब भी आप प्रॉपर्टी करोगे तो खरीदोगे या बेचोगे तो आपकी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको सुनाता हूँ इसका एग्जाम्पल। जैसे देखिए परचेज प्राइस, अगर परचेज प्राइस बिलो है किससे, SDV से, ठीक है। अब SDV हमने कब निकाली है, मान लीजिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन डे, ठीक है। एंड परचेज प्राइस किससे कम है, SDV से कम है, तो जो डिफरेंस है वो 5% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 5% कैसे निकालते हैं हम, 105% ऑफ परचेज प्राइस, 105% ऑफ परचेज प्राइस, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए SDV एंड आपको परचेज प्राइस भी बना, परचेज प्राइस SDV कितना है 52 लाख एंड परचेज प्राइस कितना है 50 लाख, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या, और कितना हो गया 2 लाख, दोनों में डिफरेंस कितना कितना हो गया 2 लाख। और हमने ऊपर क्या पढ़ा, क्या पढ़ा था बेनिफिट कितना, किस सिंगल बेनिफिट, अगर ट्रांजेक्शन 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल, तो 50,000 से ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। 50,000 से विच इज दिस 2 लाख इज बेनिफिट, किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है यहाँ पर बेनिफिट, बेनिफिट मिल गया यहाँ पर 50,000 से ज्यादा मिल गया। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर 5% देखना पड़ेगा। देखो कैसे करोगे इसमें, आपको निकालना है यहाँ पर 5% जो कि हमने पढ़ा था सेक्शन 50C में, 50C में कि हमें निकालना है 105% ऑफ परचेज प्राइस, तो वो कितना आएगा, दैट विल बी 52,50,000, दैट विल बी 52,50,000। अब आपको कंपेयर करना है SDV एंड 105% ऑफ दिस, कितना आ गया ये 2,50,000, ठीक है। दैट मीन्स
एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको डिफरेंस कितना अलाउड था? 2,50,000। आपने डिफरेंस कितना लिया? 2 लाख का, विच इज़ लेस देन। ये तो कम हुआ, या तो टैक्सेबल ही नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहले तो जो बेनिफिट है वो 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, प्लस जो आपको नेगोशिएबल नेगोशिएबल जो डिफरेंस है वो 5% से एक्सीड भी नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक फुलफिल नहीं हो रही, दैट मीन्स वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं इसका आपको एक और एग्जांपल सुनाता हूँ। एसडीवी एंड परचेज प्राइस। अब एसडीवी मान लीजिए मैं कर देता हूँ 54 लाख, एंड परचेज प्राइस मैं सेम रखूँ, दैट इज 50 लाख। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना का हो गया, 4 लाख, विच इज मोर देन 50,000। ठीक है, अब कंडीशन में अप्लाई करनी है, कैसे निकालनी है हमें, 105% ऑफ दिस वैल्यू कितनी आएगी, सेम 52,50,000। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे इसको हम एसडीवी से, जो कि कितना आया है, 2,50,000। अब देखो एज पर द इनकम टैक्स लॉ गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको मैक्सिमम जो नेगोशिएबल अमाउंट होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2.5 लाख। आपने कितना लिया, 4 लाख, जो कि ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप ये लेते हो दैट मीन्स दिस होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, पहला का है बेनिफिट 50,000 ज़्यादा है, प्लस 5% ऑफ कंसिडरेशन वो भी ज़्यादा है, सो अगेन जितना भी बेनिफिट लिया वो पूरा का पूरा टैक्सेबल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। एसडीवी एंड परचेज प्राइस दोनों गिवन आपको, ये कितना है, मान लीजिए 3,45,000, ये कितना है, सपोज 3 लाख। अब आप क्या करोगे, इसका आप 105% निकालोगे, विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 3,15,000। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 45,000 का, एंड इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, थर्टी थाउजेंड का। ठीक है, मीन्स एज पर इनकम टैक्स लोग बोलता है कि आपको 30,000 की मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, बट हमने लिया कितना, 45,000। ठीक है, अब ये तो इससे ज़्यादा है लेकिन टोटल बेनिफिट जो वो 50,000 से एक्सीड नहीं कर रहा, तो अब ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, सो इसी पॉइंट से आपको समझा रहा कि थर्ड पॉइंट में क्या बोला हुआ है, कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की है, एक तो बिलो एसडीवी की है, पहली कंडीशन क्या है, बिलो एसडीवी, थर्ड कंडीशन क्या है कि सिंगल ट्रांजेक्शन का बेनिफिट जो वो 50,000 से एक्सीड कर रहा हुआ है, एंड थर्ड वन इज द अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू और मोर देन 5% ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज गिफ्ट सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज गिफ्ट सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको किसी नॉन रिलेटिव से मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिलती है एज गिफ्ट, तो वो टैक्सेबल होगा। सर ये मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब समझ नहीं आया, मूवेबल जो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सेम एज सेक्शन 214 अंडर कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में पढ़ा था। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था हमने, देखिए कैपिटल गेन में कौन कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, देखो मैं आपको लिख भी देता हूँ, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, फिर में क्या पढ़ा था, ज्वेलरी, देन आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, देन
और क्या पढ़ा था हमने, ड्राइंग्स, ये वो ड्राइंग नहीं है जो बच्चे बनाते हैं कि बच्चों की ड्राइंग फाड़ के बेच दी मार्केट में, ये वो ड्राइंग नहीं है। देन पेंटिंग्स, देन स्कल्पचर्स, मूर्तियां, ठीक है, दीज आर कॉल्ड सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी आपको रिसीव होती है एज गिफ्ट, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एग्रीगेट मूवेबल प्रॉपर्टी अगर 50,000 से एक्सीड कर रही है, देन टोटल मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल। अगर टोटल एग्रीगेट मार्केट वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर रही है तो जितना भी है वो प्रॉपर टैक्सेबल है। ठीक है, बस आपको ये इसमें याद रखना सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। देन अब इसमें भी एक गिफ्ट मिला, पैसे में खरीद लेता हूँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट को फिर से एक पॉइंट ऐड करना पड़ा। इट मींस सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिलो मार्केट वैल्यू, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था इमूवेबल के केस में एक्वायर्ड बिलो एसडीवी, बट ये प्रॉपर्टी तो है नहीं, यहाँ पर क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू कैसे हम मेजर करते हैं थ्रू मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एग्रीगेट बेनिफिट, एग्रीगेट बेनिफिट इफ द एग्रीगेट बेनिफिट इज मोर देन 50,000 देन द टोटल बेनिफिट विल बी टैक्सेबल। टोटल बेनिफिट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो ये है आपके गिफ्ट के 5 पॉइंट, जिसमें आपको बहुत अच्छे से देखना है कि गिफ्ट जो है कब कब टैक्सेबल होगा, कब कब नहीं होगा। ठीक है, सो अब आपको बस एक पॉइंट पढ़ाना रहेगा, दैट इज रिलेटिव। तो यहाँ पर सर रिलेटिव है कौन कौन, आप जब से बोल रहे हो सर रिलेटिव एग्जाम एग्जाम एग्जाम, रिलेटिव बताता तो है कौन, चलो वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए ये कौन है, मिस्टर ए, ये कौन है मिसेज ए, मिस्टर एंड मिसेज, अगर इनको गिफ्ट मिलता है या तो ये आपस में गिफ्ट देने दूसरे को तो भी एग्जेम्प्ट, या फिर इनके मदर या फादर, ठीक है, मतलब सास ससुर, ठीक है, तो मिसेस ए के भी मदर फादर से गिफ्ट चाहे मिसेस ए को मिले चाहे मिस्टर ए को मिले तो भी एग्जेम्प्ट। ठीक है, और या मदर फादर के मान लीजिए बच्चे हैं, ठीक है, तो इनके जो मान लीजिए सन या डॉटर वो गिफ्ट दें तो वो भी एग्जेम्प्ट। सेम है यहाँ पर, सन और डॉटर अगर मदर फादर के सास ससुर के कुछ भी हों, ठीक है, तो इस केस में अगर वो गिफ्ट दें किन को, यहाँ पर किन की गिफ्ट क्या कर रहे हैं, इन दोनों की, इनको गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर सन डॉटर के थ्रू, यानी कि मदर फादर के सन डॉटर के थ्रू, ठीक है, तो उस केस में वो भी यानी कि आपके भाई बहन हुए बेसिकली, ठीक है ना, प्लस अगर इनके सन डॉटर के मान की शादी होगी तो इनके हस्बैंड वाइफ अगर वो भी टैक्स वो भी आपको गिफ्ट दें तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन आ गया। ठीक है, सेम मान लीजिए अब इनके भी तो अपने बच्चे होंगे, वो भी हो सकता है डॉटर या सन वो गिफ्ट दें तो भी एग्जेम्प्ट, या इनके हस्बैंड या वाइफ होए, ठीक है, तो भी आपका एग्जेम्प्ट गिफ्ट में माना जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मिसेज ए के ब्रदर हैं, ठीक है, सिस्टर हैं, ठीक है, तो उनसे मिले तो भी आपका वो एग्जेम्प्ट है, या फिर मान लीजिए ब्रदर हैं उनकी वाइफ
गिफ्ट दे या सन है तो उनके सॉरी सिस्टर है, सॉरी ब्रदर, ब्रदर की वाइफ एंड सिस्टर की हस्बैंड वो गिफ्ट दें तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेम इस केस में हस्बैंड के घर ब्रदर या सिस्टर हैं तो एग्जेम्प्ट, ब्रदर की अगर वाइफ है तो भी एग्जेम्प्ट, सिस्टर की अगर हस्बैंड है तो भी एग्जेम्प्ट। ठीक है, बस इससे बाहर नहीं जाना। ये है आपकी रिलेटिव की लिस्ट। ठीक है, तो देखिए जो हमने गिफ्ट पढ़ा पूरा, ये बेसिकली जब ये सरकार गिफ्ट बना रही थी तो सरकार ने बोला हमने जो ये पॉइंट बनाए हैं गिफ्ट के सारे एग्जेम्प्टेड नॉन एग्जेम्प्टेड, ये हमने किसके लिए बनाए हैं? इंसान के लिए ऑब्वियसली। लेकिन गिफ्ट एक्चुअली रिसीव कौन करेगा या कौन कैसे गिफ्ट देगा? सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था जब ये गिफ्ट ले गए थे, क्योंकि जब सरकार गिफ्ट यहाँ पर ये जो पॉइंट बनाए हैं सारे सारे, ये गिफ्ट किसके लिए बनाए थे बेसिकली? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल हो या HUF हो, बाकी सारे जितने भी SSC थे जैसे फॉर्म, LLP, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो सब रह गए। तो जब ये पॉइंट रह गए थे गवर्नमेंट से, तब तो बड़ी बड़ी कंपनी ने इसका बहुत बड़ा गेम खेला। आपको तो पता है कि कंपनी के पास कितना पैसा होता है, उस केस में इस सबका बहुत फायदा उठाया। तो उस केस में गवर्नमेंट ने अभी रियलाइज करा कि भाई कंपनी रह गई तो उनके लिए भी पॉइंट लाना था। तो कि कंपनी क्या करती थी कि कंपनी जो एक कंपनी दूसरी कंपनी से पैसा लेती एज गिफ्ट। ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाती, गिफ्ट है कुछ नहीं कर सकते इसमें तो। ठीक है, इंडिविजुअल से गिफ्ट लेते हैं लेकिन रिसीव कौन है यहाँ पर, कौन है रेसिपिएंट, कौन है कंपनी है, तो गिफ्ट जन के लिए वो टैक्सेबल नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पर लॉ में लिखा ही नहीं है। रेसिपिएंट जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है वो सिर्फ किसके लिए थी? इंडिविजुअल और HUF के लिए थी, कंपनी या फिर फॉर्म या फिर एलपीएन के लिए ऊपर लिखा ही नहीं है। उस केस में गवर्नमेंट को एक नया सेक्शन ऐड करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 56(2) 7A। इसमें क्या बोला हुआ है, किसके लिए बनाया? पढ़ते देखिए, फॉर फॉर्म, LLP एंड प्राइवेट कंपनी, पॉइंट इनके लिए बनाया है। क्या बोला हुआ है इसमें? शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी अगर गिफ्ट में दिए हैं, दैट मीन्स विदाउट कंसिडरेशन है। ठीक है, तो क्या होगा इफ एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज मोर देन 50,000 देन टोटल मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल। ठीक है, देखिए होता क्या है, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, मतलब मेरी कंपनी थी नहीं, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की क्योंकि मुझे किसी से गिफ्ट लेना था, क्योंकि पहले मैं कौन था? इंडिविजुअल था। इंडिविजुअल मैं कौन हूँ? रेसिपेंट हूँ। तो इंडिविजुअल मैं किसी अगर नॉन रिटेल से टैक्स है तो वो टैक्स हो जाता। तो इस पॉइंट से बचने के लिए मैंने क्या करा, अपने अब मैंने एक कोई एक कंपनी खड़ी कर दी और मुझे किसी, मैंने क्या करा कि दूसरी कंपनी को बोला, किसको बोला, या इंडिविजुअल को बोला कि भी तू मुझे कोई गिफ्ट देना ही है तो एक काम कर, तू मेरी कंपनी के शेयर खरीद ले। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जैसे तू मेरी कंपनी के शेयर खरीदेगा
उसके 1-2 महीने बाद मैं कंपनी बंद कर दूंगा, और जो भी अमाउंट होगा शेयर का वो तो कंपनी का ही है, तो मैं वो सारा अपने पॉकेट में रख लूँगा। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये क्लोज लाना पड़ा, दैट इज सेक्शन 56(2) क्लोज 7A। दैट मीन्स अगर शेयर किसकी है, प्राइवेट कंपनी की है, और अगर विदाउट कंसिड्रेशन इशू किया, और अगर उसकी एग्रीगेट की वैल्यू शेयर जो कितनी है 50,000 से एक्सीड कर रही है, तो टोटल मार्केट वैल्यू जितना भी होगा जो कि 50,000 से करा, टोटल मार्केट वैल्यू दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेम अगर कंसिड्रेशन खरीदा तो कंसिड्रेशन होता तो बेनिफिट, तो शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये कौन सा केस है, कंसिडरेशन बिलो मार्केट वैल्यू, बिलो मार्केट वैल्यू है, तो क्या होगा, इफ एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट डिफरेंस अमाउंट एक्सीड 50,000, एक्सीड 50,000, देन टोटल वैल्यू ऑफ बेनिफिट शैल बी टैक्सेबल। बट एक बात और अच्छे से पॉइंट समझ लो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दिस सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाई ऑन एमलगमेशन और कैन से डी मर्जर, इन दोनों केस में अगर हो तो फिर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये था आपका गिफ्ट, इससे रिलेटेड एक छोटा सा और पॉइंट रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल।